तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, नहीं मंदिर खुद पूछ लो, वो तो नहीं करेंगे, कुछ तो निकला ही इसके बाद। हेलो ठीक, चलो थोड़ा और तेज बोलना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा तेजी बोलना हमको भी, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, मतलब आवाज तेज है बट माइक का काम तो पकड़ना है, वो ऐसे ही है तो नॉर्मल आ रही है। चलो शुरू करो, स्वागत करें फिर, कर दे वेलकम है। और भाई आज हम लोग ऐसे मां बन जो यार उन लोगों की, क्योंकि डेली अच्छे से सुनते हैं वो लोग, तो भाई वेलकम है। आज जो स्वागत है वाला लाइव स्वागत है ये थे वो माइक टेस्टिंग क्या कर दिया तुम, तो फॉर्मेट ही चेंज कर दिया पूरा। चलो भाई, तो भाई स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे, और आज हम लोग नया प्लेयर लेके लॉन्च कर रहे हैं, नया खिलाड़ी आया है, बताना है कितनी गालियां दोगे इसको क्योंकि और तो कुछ मिलने से रहा, और कोई मतलब तुमको हक है इस चीज का कि तुम्हें कुछ और ना मिले गाली दो ठीक है। तो भाई क्या लेके आए फिर आज? तो गाइस इंट्रो कुछ आज हम लोग ऐसे ही रहेगा ठीक है। तो पहली चीज तो एक प्रमोशन जो रहता है हमारा वो मैं कर देता हूँ कि एक चैनल है जो व्लॉग बनाता है, तो मेरे ऊपर आ रहा होगा उसका वीडियो के एंड में मैं लगाऊंगा लास्ट में चैनल का, तो उस पर जाकर क्लिक करके देखो, व्लॉगिंग स्लॉगिंग कैसे मजे मचाती है लोगों ने। बाकी फिर जैसा कि जानते हो हमारा फॉर्मेट सिर्फ गलती निकालनी है, तो हम लोग लाए हैं आज इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड जिसमें उसका बाप आया है तन्मय भट्ट, जिसका वो तन्मय भट्ट और वो और रघु रघु मच्छर की जाट ठीक है। तो हम लोगों ने और भी एक लोग होंगे, तो सबसे मेन चीज कि समय के पापा आए हैं उसपे, और साथ में इन लोगों का ये भी सुना है कि चोपे पे मारते थे, चोपे इन द सेंस समय तन्मय भट्ट का लेता था पहले, हाँ मार्केट में आने से पहले इन द सेंस उठाता था ठीक है। फिर जब थोड़ा रेलेवेंट हो गया तो साइड हो गया, तो ये चीज तो तुमने उसमें देखा होगा वो वाले शो में क्या बोलते हैं, अरे वो तो बहुत जगह बोला गया यार, तुमने वो तो बोला गया प्रिटी गुड दोस्त तो देखा है उसमें, ये एक में गया था तो उसमें ये बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग सिर्फ यही मेरे लिए बोलोगे, कुछ नया नहीं लेके आए हो, ये सब बोल के ये स्मार्ट बन गया था। बट भाई जिसका लिया है तो आदमी वही ना बोलेगा, और अलग से किसी के थोड़े ना बोलेगा कि तुम उसका भी ले लिए हो, तो ऐसे ही है। अभी देखो लास्ट एपिसोड में उसको लाया था करिए को, जो वो था अफ्रीकन या कुछ भी था जो आया नहीं था, वो समझ गया। अब उसका लेने लगा होगा, हो सकता है जो सब पसंद आ जाए, अब हम लोग बोल सकते हैं अपनी अपनी पसंद है घर से ये बोल। हाँ क्या बात, हेलो हाँ भेज दिए थे उसी से रहना है चौबीस घंटे के लोकल में। तो भाई तन्मय भट्ट, हाँ तो भाई स्टोरी समझा दी है इसको, कॉल आ गया था वो सब तुमने देख ही लिया वो कैमरे में डाल देंगे तो तुम लोग के नहीं क्लिप्स ठीक है।
बता दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है, तुम्हें लगेगा स्क्रिप्टेड है बट इसने अभी तक एक भी ऐसा हाँ, लेटेंट नहीं दिखा है, और प्रीटी गुड रोस्ट शो भी इसने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, जान रहा है उसको शो आया ये भी जान रहा है बट देखा नहीं है, तो आज देखते हैं कि ये क्या, इसको पहली बार देख रहे हैं तो कैसा रिएक्शन रहेगा फर्स्ट इसका। टाइम फीडबैक जाएगा मेरी तरफ से। हाँ, और ये तो बहुमूल्य फीडबैक है, हाँ जबकि हमारा काम है नेगेटिविटी फैलाना तुम लोगों के कंटेंट पे, फेवरेट वालों के। ऐसे नहीं, नेगेटिविटी ऐसे नहीं फैलाना चाह रहे हम लोग, तो देखते हैं क्या ये आज कबूतर छोड़ेगा सब सफेद वाला। सफेद वाला कबूतर ही छोड़ते हैं ना पीस के लिए, इसके लिए या डोव छोड़ते शांति के हैं, लिए, डव नहीं, कबूतरी। कबूतर ही उड़ा जाता है गाइस। ठीक है, तो शुरू करें फिर, चालू करो फिर, चालू करो। लेकिन क्या पता अभी कमेंट में बोले नहीं डब ही होता है। डब वो तो लगा लेना। ये पहली बार किया है फ्री। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ गॉट टैलेंट। ये ऐसे खाते हैं। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। कुड बी द बेस्ट शो, कुड बी द वर्स्ट शो। इट्स अ पॉइंटलेस रियलिटी शो। खाना पीना ये लोग पूरा करता रहता है। लेकिन अभी बजट थोड़ा सा, पहले पैसा नहीं आता था, पैसा आ गया तो टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी फिजिक वाला लगा क्या, वैसे ही लग रहा था। एवरेज स्कोर वही निकल गया जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा। ठीक है, समझ गए। टिकट सेल्स का सारा पैसा, मतलब बिल्कुल वो है कि किसी का जो है शो से हमें पता चलेगा कि इसमें तुम्हारा वो टैलेंट क्या है। वो गया आपने वो जो नंबर होता है अपने लिए इतना मिलेगा, वो है विनर। जो ऑडियंस या टिकट का जो भी पैसा है वो ये लोग विनर को देंगे। कॉन्सेप्ट के सही है क्या, जो लोग लोग जिस चीज के लिए पैसा लगा रहे हैं वो विनर को डायरेक्टली, पर अगर स्पॉन्सर मिलता तो फिर स्पॉन्सर से पैसा लगता, तो ये तो भाई बीच ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रघु मेरे भाई, आ जाइए। भाई रघु भाई कहाँ है? तो बहन छोड़ते नहीं, मतलब ऐसे लोग जो बोलते रहते हैं कि गाली दे के फेमस नहीं होना अच्छी बात नहीं है, तो भाई रघु को ये भी सी रोडी में गाली देते हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर द पैनल मैन, कम ऑन। अरे अपने पापा से बात नहीं किया, हमने पापा का एक लेक्चर ले लिया। शो टू बिगिन मेरे भाई। रघु भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एक बार जोरदार तालियां रघु भाई के लिए यार, कम ऑन। चीज उसका पापा गुस्सा हो तो रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे। हां जी, हुआ क्या कि पिछली बार मैं और तन्मय एक साथ आए थे तो काफी, अब हम पे 15 पुलिस केस है, 15 पुलिस केस। सर प्लीज 16 16। ट्रांसफॉर्म हो रहा है तन्मय भट्ट, तो करण जोहर बनना चाहता है आगे चल के, वैसा लग रहा है ना कि करण जोहर ही बन जाएगा। फेस पतला होते जाएगा तो उसका सिमिलर फेस हो जाएगा करण। तो भाई हरकत तो है ही ना, ये और समय लोग लेना देना भी तो करते हैं, तो ये चीज होगी। तुम पूरा एकदम प्रेफरेंसेस है तो भाई ये बाय लुक वैसा क्यों बनना चाहता है, जैसा था वैसे नहीं करता। वो उसको आइडल मानता होगा ना भाई, तो छोटा पड़ रहा होगा ना, मुंह में जाता है इसे, तो पतला हुआ है, बड़ा हो गया देगा। नहीं भाई, अपना आइडल जिसको मानते उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं ना सब। बट रीजन पतला होने का ये है कि ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, मोटे लोगों का चर्बी आ जाता है ना आगे, तो उसको दे नहीं पाता होगा मुंह में सही से, बड़ी दिक्कत समझ रहे ना, वो दिक्कत है उसके लिए होगी ना, समझे। शुरू करते हैं गाइस, इट्स अ प्रीटी गुड रोस्ट शो ऑफ समय रहना, चलो गाइस शुरू करते हैं आगे। भी है यहाँ पर। Is she here? Natalie, are you here? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम I'll tell you. I love you, baby. आज जो भी होगा ना डरना मत. Don't be scared of me or anyone here, okay? अच्छा आज आपका असली रूप देखेंगे वो। Fingers crossed. अगर मैं भड़क रहा हूँ तो शांत रघु ऐसे बोल देना, ठीक है? Calm me down. Don't encourage me. आज भी मैं और रघु स्टेज पे, तो केस तो आने वाला है डिवोर्स का। फिर हिंट दिया कि रघु का डिवोर्स करा के अपने साथ लेगा तेरा। तन्मय भाई मेकिंग मी लुक फैट। अरे कल ही मैं किसी को बोल रहा था, यू नो आई ऑलवेज न्यू मैन, वन डे समय वुड बी बिगर देन मी, लाइक हाँ मोटा तो लग रहा है आजकल, लग तो रहा है।
Love you so much, Baitan mein bhai. Kaise lag raha hai? Kaise? How are you feeling, bro? You're losing weight. Everything's going well. Everything's going well. But I'm very, very happy for you. Bhai, samay rana ke liye taali. Level in this is normal. Na to bol. Very, very happy for you. Very, very excited to be on the show. Or I just think it's cool that Sid Warrior is here because yeah. This is a show where first mental patient comes and then he fixes them. Is that it? Main wahi keh raha hoon ki मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है एक न्यूरो साइंटिस्ट का दिमाग फ्राई होते हुए देखूंगा मैं नहीं गाइस डू यू नो सिड वॉरियर यस सो ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट ये यूट्यूब पे आते हैं इज अ यूट्यूबर आल्सो ये यूट्यूब पे जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि दोस्तों सोशल मीडिया मत यूज करो दिमाग खराब हो जाता है उससे See, this goes to show that the more successful a comedian becomes, the more in need they are of a doctor. I'm glad to be here. Thanks for having me. And lawyer. And we also need a room for no rent. So we have Balraj guy. Balraj will be fine. Hey, who is it? Balraj. He is the space owner. What's up, you guys? Really? You know, I think that Samay has solely, for the very specific reason, created this show. Just so he can be a judge on some panel. Comedy to kharab hi aapki, but theek hai. Should we begin India's Got Talent? So make some noise for the first act, Malai Mundra. Malai Mundra? मुझे ना रखी आई को अग्रेसिवली गाइस वाह ये चीज इनमें से कोई बोल देता ना अभी तो सारे लौंडे के सामने के गए बुलाती है मगर जाने का नहीं बड़े सयाने कह के गए बुलाती है मगर जाने का नहीं मंजूर थी मुझे हुस्न सजा मंजूर थी मुझे हुस्न सजा कमबख्त एक बार बुलाए तो जरा एक दफा ऐसा आया उसने बुला लिया एक दफा ऐसा आया उसने बुला लिया कहा आ जाओ घर पे कोई नहीं है उसने कहा आ जाओ घर पे कोई नहीं है मैं गया और घर पे कोई नहीं था खैर छोड़ो ये बात कई साल पहले की कहानी गुनगुना रहा हूं अब वो तो आगे बढ़ गई और बेकार जोक्स मतलब बोलते ना जो किताबों में रील्स में आते रहते हैं वही बस छात्र तो क्या पता उसका प्लान हो ये करके जीरो नंबर मोहब्बत में खफा हुआ करते हैं अक्सर हम मोहब्बत में खफा हुआ करते हैं यू लुक फॉर सपोर्ट अक्सर हम मोहब्बत में खफा हुआ करते हैं उस दोस्त को चुनो जो बोले छोड़ ना चल नशा करते हैं थैंक यू अब गार्ड दिखा दिए इसकी सब कोई गार्ड बोला ही नहीं करूं इरशाद हो या इरशाद मैं शायर तो नहीं मैं शायर तो नहीं पर भोसड़ी वाले तुझसे अच्छी कर लेता हूँ आई एग्री ही केम टू सपोर्ट यू भाई फेल्ट इट ब्रो यहाँ लिखा है यू हैव मेड टू वुमेन फेंट इन योर स्कूल केमिस्ट्री लैब में HCl सुंगा दिया था तो वो वेपराइज होता है तो फिर मेरे को बैन कर दिया था मतलब गलती से सुंगा था मेरे को पता नहीं था वेपराइज होता है HCl आई डिडंट नो इट वाज आई एम ट्राइंग टू डिसाइड इसके पोएट्री बकवास है या फ्लर्टिंग स्किल्स देखो आज मैं और रघु तो जेल नहीं जा रहे ठीक है ये तो कंफर्म हो गया आज सो आई एम फीलिंग सेफ तो वो लड़कियों से फिर आपकी बात हुई सॉरी बोला आपने उनको हाँ नो वी वर फ्रेंड्स ओनली आई डिडंट नो कि दिल फेंट वो मैंने बस पता नहीं था कि देख क्या है तो तूने खुद क्यों नहीं सुना मैंने भी किया हां इसके अंदर है तो ये मत लगता है ये मक्खन है क्या बेहोश होते पर लड़के कई बार सूंघ के ना रूल बता भी समझने लगते हैं कंफ्यूज वाले ये साइड इफेक्ट भी रिसर्च करना पड़ेगा मुझे लगता है यहां लिखा है कैन यू कैन वेक अप एट एनी टाइम यू चूज टू हां मतलब हाउ अबाउट नाउ Malai ji, in what field do you want to pursue a career? Not writing. I'm telling you, man. Thank you. Haan ji. I'm not sure yet. You're not sure like, yet? My college ended just
2 months ago. And what stream did you do your education in? I did finance. And does it ever cross your mind that your future employee could be seeing this video? No. I'm more worried about that the girl he eventually will lose his virginity to. She's also watching it. What chance bhi kiya ab tera? Aur isne bhi ye pehle bol liya ki isne abhi tak kiya hi nahi. Kitna hai? Isne nahi liya seedhe virgin. To abhi tak kar nahi paya. Kya matlab hota hai bhai? Decide kar. It's pronounced male and it means mountain. Ah. To he male like HIMALAY. Oh, so that's... Oh, Malai Pardis. You love mountains? Malai. I don't have an opinion. Oh my God. What like, did you just say? I don't have an opinion. About mountains. Sahi hai. Are yes or no bolna hota hai. Do you like mountain? No. You know, I mean, haven't really... Have you ever been to a mountain? Yeah. You still don't have an opinion? No, I like it, but I don't think I love it. Malab, theek hai. Malai, have you traveled enough to the mountains, to the beaches? Are you like a stickler for just being in one place? Stickler? Sure. I'm sorry, I know English, brother. Baap ke paas crore rupaye honge to aayegi na. Which reminds me, we have a sponsor, guys, today. Yes. The sponsor is called Walk Talk. More about them when the noodles come. ठीक है, उनका noodle बहुत ही crazy होते हैं. उसपे आपका opinion लूँगा मैं बाद में आपसे. Even I can cook with Walk Talk. हाँ? What? मतलब इतना अच्छा होगा वो कि even I'll be able to cook. ये episode से edit ना होने की कोशिश है मैं तो देख रहा हूँ. Sponsor का. अरे क्या timing है भाई? एक बार जोरदार तालियाँ for Walk Talk man. तो भाइयों वॉक टॉक इज वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज कप नूडल्स. ये 4 मिनट में बन जाते हैं, आप इस पर गर्म पानी डाल सकते हैं. इनमें कौन कौन से फ्लेवर हैं अब वो याद करने के पैसे तो नहीं मिले मुझे, पर बहुत लवली प्रोडक्ट है यार ये. HCL फ्लेवर, नाइस. तो इट्स प्रीटी गुड एंड देयर द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज दैट दे स्पॉन्सर द शो. आपने हिमालय गया तू गुड हिमालय कैसा लगा? आई डोंट हैव एन ओपिनियन. आई एम पर्सनली ऑफेंडेड. Shit! वहाँ पे थोड़ी स्पॉन्सर कर रहा है वीडियो. मलाई नाम है तेरा? भाई ऐसा क्या? भाई आपका भी तो नाम रघु है, आपको घू थोड़ी पसंद है? थोड़ा सा चाहिए इसको भी देना पड़ेगा तभी ना. पसंद है. अरे भाई भाई गया गया स्पॉन्सर को नहीं भाई स्पॉन्सर को नहीं भाई. बड़े बड़े क्लूलेस धक्कन देखे मैंने अपने लाइफ में. सीरियसली नोबडी इज एवर गॉन टू द हिमालयस. आई डोंट हैव एन ओपिनियन. डू आर यू अ माउंटेन पर्सन? यू सीम वेरी अटैच्ड टू माउंटेन मैन. आई एम. Yeah. I am beach and mountains, everything, man. I have opinions. I am attached to opinions. Oh, okay. This guy doesn't have any. Apologize. So, how many mountain peaks have you been on? Why is he making it sound dirty? Oh, mummy, नहीं पता तो stop है, नहीं उसके पीछे. भाई इसकी खोपड़ी जो है लगाओ से पहाड़ जैसी है, इसलिए offend हो रहा है. मजे लेके उतरा हूँ. ये कैसे नहीं पसंद हो सकती भाई? Avalanche तो नहीं आया था कभी? Landslide, बाढ़, सब कुछ. आज डिवोर्स करा के रहेगा सर. और रघु भाई कभी रंडियो के बाद गए हो आप? एनी प्रोस्टिट्यूट्स इन योर लाइफ? डिवोर्स करा नहीं है तो सिर्फ एक और चीज रहती है, हर किसी के साथ मत हो जजेस भी उसमें फंसेंगे, कंटेस्टेंट भी. बस जोर तारीफ और मलाई मदरा आएगा. टाइम टू स्कोर मलाई मुद्रा. तो मैंने आपको दिए हैं. इसने क्या किया था? फर्जी मुशायरा किया था. सॉरी, दिस आउट ऑफ 10, राइट? या आउट ऑफ 10. तो मैंने दिए हैं इनको 7.
रघु भाई रियली टू ठीक है ठीक है मतलब अच्छा भी नहीं करेगी साथ में मेरे भाई आई वांट टू टेल यू समथिंग अबे हम लोग 0-0 पे जीते हैं आई रियली एडमायर योर करेज हम लोग जो भी बोले नो मैं नहीं करता अगर मैं तेरे जैसे टैलेंटलेस होता मैं नहीं आता तो आपका इंडियन आइडल वाला क्लिप याद है हमको देखिए इसका इंडियन आइडल वाला इसमें ऑडिशन दिया है ना ये मैं भी तुमसे यही आशा करता हूँ कि इसके बाद तुम एक बहुत ऊंचाइयों पे चढ़ो बिना ओपिनियन के कि क्योंकि मैं भी रिजेक्शन से शुरू हुआ था अन्नू मलिक से रिजेक्ट हुए थे तो अन्नू मलिक कोई कुछ नहीं अन्नू मलिक बहुत सही इन्हें दिया टू तन्मय भाई फाइव फ्रॉम तन्मय बट आई गिवन सिक्स सिक्स फ्रॉम गुलजार सेवन Seven from Balraj Ghai. That makes your average 5.5. Lost. आपने दिया तो जीत जाता यार तो कोई बात नहीं यार आपने बहुत लोगों का मूड खराब किया है एक बार जोरदार तालियां फॉर हिम And don't worry मेरे भाई पर हाँ वो एवरेज तो कुछ ज्यादा ही खराब नंबर गया ना टॉक का गुडी मैं तो 7.5 क्या बोल सकते उसमें आप अपने आंसू डाल के बॉईल करके खाएं भाई माने नो जोक्स आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर कमिंग हियर थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम हाँ तो भाई तुम बताओ कैसा लगा एक घंटे का एपिसोड शूट किया हमने ये हाँ है ना तो एक घंटा ये क्या वर्थ इट थे हमारे मतलब मेरे को तो ठीक लगा ठीक लगा हाँ मतलब एंटरटेनमेंट के उससे अगर मैं देखूंगा वर्थ इट मतलब प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं काउंट करेंगे एज एंटरटेनमेंट देखा और एज एंटरटेनमेंट ही पूछ रहा हूँ हाँ, भाई मेरा तो प्रोडक्टिविटी वर्थ इट था ऐसा कुछ नहीं पर मतलब जैसे अगर मैं कंपेयर करूंगा हाँ, तो ये सबसे मस्त तो नहीं निकला नहीं सबसे मस्त पैनल अब मैं देखता हूँ इसको सिर्फ उसके लिए कि जो पैनल में बैठे आके जितने भी जज आके बैठे उन लोग कितना एंगेज कर रहे हैं बकचोदी लेकिन रघु ने बढ़िया किया रघु और समय रहना बीच में थोड़ा बहुत वो समय का वो बतार तन्मय हाँ तन्मय इन तीन लोग ठीक किए बाकी तो फिर नहीं हुआ तन्मय भी बहुत कम किया और बहुत मैंने बहुत कम था अगर अगर पहली बार फर्स्ट पहली बार व्यू देखने के बाद अगर मैं फीडबैक देना चाहूँ हाँ। तो जिस हिसाब का मतलब सोशल मीडिया में चीजें चल रही बहुत सारी हाँ। उस हिसाब से इसने एक अलग चीज निकाल के अपने अपने सामने लोगों के सामने रखी है हाँ। या इस तरीके से भी एक शो बना सकते हैं और वो चलेगा ऑलरेडी कोई बना हुआ शो है उससे इंस्पायर्ड शो है ये इंस्पायर्ड है फिर भी बात वही है कि कौन इस चीज को हिम्मत करेगा भाई बहुत सारी चीजें ट्रेंड में चलती है बाहर कंट्रीज में इंडिया में लाने के लिए वो और रिस्क लेने के लिए उतना होना चाहिए ना हिम्मत भाई लेकिन इसका शो ना बस वही बकचोदी वजह से मुझे लगा चल गया वो बात ये है कि वो उस चीज पे चांस ले रहा है हम भी लोग तो ऐसे बात करते हैं अबे किस तरीके से करते हैं क्या तो हम लोग थोड़ा कॉशियस आते हैं कि नहीं इस तरीके से अजीब लगेगा है ना ये उस चीज को किया यूज देखो बिल्कुल अनफिल्टर्ड और सही है यार और ये सब लोग माता जो देखते हैं ना हम लोग का वीडियो लोग अगर जो काम हम लोग कर रहे हैं समरा ना कर रहा होता ना तो उन लोगों ने भी चौका मार दिया यही सीन है भाई तो तुम कितना मतलब इस शो को कितना पॉइंट देना चाहोगे शो को पूरे शो को अगर मतलब मुझे लगा इस एपिसोड अरे मतलब इस एपिसोड को ही अच्छा इस एपिसोड को 10 में से देना होता है कि 5 में से 5 में से मतलब मैंने पहली बार देखा है मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और जिस हिसाब से इन्होंने हर एक चीज में और स्पॉन्सरशिप में मुझे जो जोक्स लगे उन्होंने स्पॉन्सर को बोरिंग नहीं किया जैसे कई लोग स्पॉन्सर रिपीट करते हैं मतलब लेकिन लोग बार बार करते हैं तो बेकार ही लगता है बट इसने खराब नहीं किया तो मैं इसको 5 में से 4.5 दे दूँ क्योंकि मैं पहली बार एपिसोड देख रहा हूँ बट मुझे कॉन्सेप्ट भी सही लगा और सब कुछ तुम्हें पसंद आया बोलो तो भाई देखो मैं नंबर दू के पहले थोड़ा कुछ बता दो पहले बातचीत हो जाए जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे ना जैसे तुमने बोला कि वो पिछले वाले हाँ तो मुझे बहुत अच्छा मतलब ऐसे नहीं इससे अच्छे अच्छे देखे हैं उसके रवि गुप्ता वाला कितना मस्त है वो रवि गुप्ता वाले में एक तो, सब लोग हाँ, रवि गुप्ता की तो अलग लगी थी प्लस जो म्यूजिशियन आए थे वो वाला क्या नाम है जिसने वो गाना बनाया था आदमी चूतिया वाला हाँ वो भी मस्त विपुल गोयल भी उसी में था उतना नहीं था है ना और जैसे
क्योंकि कंटेस्टेंट भी नहीं है, हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे जज का बकचोदी देखने, टैलेंट देखने नहीं आ रहे, टैलेंट इसका मोटिव ही वही है कि जज लोग कितना बकचोदी करेगा आपस में और कंटेस्टेंट के साथ, और उनका फायदा भी सारे मोस्टली जजेस इसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस मतलब दो वैसे वाले ऐसा नहीं है, चेस प्लेयर्स को भी लेके आया है, एक ना एक थोड़ा फील्ड से अलग बंदा रहता है, जैसे न्यूरो साइंटिस्ट था मतलब सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव है बट उसका थोड़ा अलग चीज पे काम कर रहा है, वो चेस प्लेयर है या फिर न्यूरो साइंटिस्ट जैसे आ जाया, तो इस तरीके से आते हैं लोग। रफ्तार आए थे सबसे पहले वाले, सबसे पहले वाले में रफ्तार, और उसमें तो इन लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था, तो फिर रफ्तार बोल रहा है एक और कंटेस्टेंट जो जीता है चलो उसको मैं पैसा ऐड कर दूंगा, एक और करवा लेते हैं, तो वो सारी चीजें भी हुई थी, मतलब ठीक है शो, ज्यादा वैसा नहीं है कि बहुत हाइप क्रिएट कर दिया या कुछ, मतलब शो बना ही ऐसा है कि मजा आ जाए, मतलब जो व्यूज उसको मिल रहे हैं वो जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है। तो भाई मैं नंबर दूंगा इसको 3.5 3.5 पुराने एपिसोड से कंपैरिजन कर रही हूं, यस मैं मतलब शो तो ऑब्वियसली अच्छा है, वो कोई मेरा 3 है भाई, 3 है हां, 3 है, जस्टिफाइड है क्योंकि इसके खुद ही देखे हैं इसलिए, हां वही तो सारे फॉलो किए हैं, तो पिछली बार लास्ट वाला नहीं देखा था, इससे पहले वाला जो था दीपक कलाल उन लोग वाला, टाइम नहीं मिला, तो कितना हो गया 15 में से 4.5-3.5 हो गया, कितना 8-9 नीचे लोग ये ना बोल दे की भाई मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैथ्स में गलत कर रहा हूँ ना, अरे ड्राइविंग तो कर लेता है ठीक, तो गाइस 15 में से 11 नंबर, ड्राइविंग तो जेनेटिक है ना, जेनेटिक बायोलॉजिकल सही बात है, तो खत्म करें यहीं पे, खत्म करते हैं भाई, थैंक्स फॉर गाइस पास हो गए शो के लिए, बट नेक्स्ट टाइम से बेंचमार्क और बढ़ जाएगा, तो और कट्टर तरीके से हम लोग जजमेंट देंगे, तो इसको ये बताओ हम लोग एक ही पार्ट में पूरा डालें या 3-4 पार्ट में करके डालें, जैसे कितने टोटल 4 शोज हुए हैं, तो दो दो देख लेना और उसपे जाके कमेंट पे गाली गलौज कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना जो कर सकते हो, बाकी मर्जी है तुम लोगों की, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, चलेगा चलेगा, चल तो हमारा रहा है, चल तो रहा है, तुमको लेकिन लेकिन अपना ओपिनियन दे देना, वो जो भी है मतलब गाली दोगे ओपिनियन, जैसे ओपिनियन के नाम पे आज का ओपिनियन, अगर एक ऐसा करे हम लोग ये लोग पन्ने में लिख के उसका फोटो भेजे हमें, तो हम लोग वो ओपिनियन देख लेंगे और उस पन्ने को तुम लोग गांड डाल लेना, ठीक है ठीक है, यही पे खत्म करते हैं, चलो भाई सायनारा।